गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्रा यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों आ, आ की मात्रा इस प्रकार से लगती है। आ की मात्रा से बनते हैं जैसे आम आम, हाथ हाथ, कार कार, बादल बादल, ये सब आ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। आ की मात्रा ये कहलाती है। आगे बढ़ते हैं छोटी की मात्रा की तरफ, इसे बनती है इमली, हिरण, सितार, गिलास, ऐसे करके। मेरा बच्चों ये हो गई आ की मात्रा वाले शब्द और ये हो गए ई की मात्रा वाले शब्द। आगे बच्चों आप लोगों को ये पाठ जो है इसको रीड करना है अच्छे से। ये आ की मात्रा का पाठ है और ये ई की मात्रा का पाठ है, इसको अच्छे से रीड करना है और समझना है। बच्चों मैंने आप लोगों को ये चैप्टर रीड करने के लिए दिया था, आज हम इनके वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे। आप लोगों को अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन करनी है और इस जो चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप लोगों को अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइट करने हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कि हमने आपको चैप्टर फर्स्ट के राइट करवाए थे, उसी तरीके से आपको चैप्टर सेकेंड के भी राइट करने हैं। ऊपर ऊपर डेट मैंशन करनी है, डे मैंशन करना है, सैटरडे, चैप्टर 2, वर्ड मीनिंग्स की हेडिंग डालनी है, 1 पेज के 3 कॉलम्स बनाने हैं और इसी टाइप से जैसे चैप्टर 1 के करे थे आपको इसी टाइप से चैप्टर 2 के भी वर्ड मीनिंग्स राइट करने हैं। फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर इंग्लिश राइट करनी है, सेकंड वाले में उसको क्या बोलते हैं हम वो राइट करना है, थर्ड वाले में इसका मतलब क्या निकलता है वो राइट करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है VILLAGE, इसको क्या बोलते हैं हम विलेज, विलेज मीन्स गाँव। SEE, को क्या बोलते हैं सी मीन्स देखना। KNOW, नो। बच्चों आप ये बोलोगे कि यहाँ पे के से स्टार्ट है तो इसको नो कैसे बोलेंगे, क्योंकि बच्चों जो के होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, यहाँ पे नो के अंदर ही साइलेंट होएगा के, तो इसको हम बोलेंगे नो। नो मीन्स जानना। WALK, वॉक। बच्चों आप बोलोगे कि इसमें L लिखा हुआ है तो L कहाँ गया यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे जो L जो है वो इसके अंदर साइलेंट है तो हम इसको वॉक बोलेंगे, वॉक मीन्स चलना। UNDER, अंडर, अंडर मीन्स नीचे। BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। CLIMB, क्लाइंब, CLIMB को बोलते हैं क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। HILL, हिल, हिल मीन्स पहाड़ी। PEON, पियोन, पियोन मीन्स चपरासी। FENCE, फिंस, फिंस मीन्स बाढ़, एक प्रकार की जैसे कोई पुल बनी हुई होती है ना उसको हम बोलते हैं बाढ़। तो बच्चों आपको ये EVS के नोटबुक में इस प्रकार से राइट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.3 में, मैथ की बुक के अंदर पेज नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 बच्चों यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये लिखा हुआ है 110, ये जो पिक्चर दी गई है इसके अंदर ये 1 बॉक्स है और इसमें 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। जब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इस 10 का मतलब ही 0 होता है। ये जो बॉक्स दिया हुआ है सिंगल बॉक्स, लेकिन इसमें जो बॉक्स दिए गए हैं उनकी काउंटिंग हम 10 से 10 करते हैं, 10 बॉक्स बने हुए हैं इसमें, तो 1 तो ये हो गया और 10 जो है इसके बॉक्स हो गए, ये 10 का मतलब 0 है, तो यानी कि ये क्या हो गया 110, यानी कि 10 हो गया पूरा। यहाँ दिए गए हैं 3, 1, 2, 3, 3 किस में आ गए, 1s में आ गए। तो बच्चों यहाँ लिख दिया हमने जैसे कि 1 कहाँ आ गया, 1 किस में आ गया 10 में, और 3 किस में आ गया 1s में, तो 1, 3, 13। सेम आपको ऐसे ही करना है, इनको काउंट करना है 1, 2, 3, यहाँ पे क्या राइट करना है हमें 3 किस में आ रहा है टेंस में, 3 और 0 का मतलब क्या हो गया 30, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही राइट करेंगे। उसके बाद में इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ हम राइट करेंगे 4, इस बॉक्स में हम 3 राइट करेंगे, इसमें हम 4 राइट करेंगे, 3, 4, यहाँ पे 34। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी इसी प्रकार से काउंट करना है और राइट करना है 1, 2, 3, 4, यहाँ हो गया 4, ये 1, 2 किस में आ गए यहाँ पे बच्चों, ये 4 नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 6, ये टोटल है 6, यहाँ हम राइट करेंगे 6 और उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हम लिखेंगे 5, ये इस बॉक्स में आएगा 4, इसमें आएगा 5, तो टोटल क्या आंसर हो गया 45।
फाइव है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम राइट करेंगे 6, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम राइट करेंगे 5। इस बॉक्स में हम 6 राइट करेंगे, इसमें हम 5 राइट करेंगे, 6 5 65। तो बच्चों आपको इस प्रकार से राइट करना है, काउंट करना है और इनको राइट करना है। इस बुक में आपको इस प्रकार से फ्लिप करना है। इनको काउंट कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 8 10s, यानी कि 80। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, 86, यानी कि 8 6 86। आपको इसी प्रकार से आपके इस ये एक्सरसाइज पॉइंट 1 1.3 जो है, इस प्रकार से आपको अपनी बुक में राइट करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम ईवीए सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 पे, हमने हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने रीड भी कर लिया, उसकी ऑल एक्सरसाइज भी कर चुकी हैं हम। और अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 की जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो लर्न करने हैं, चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स राइट करवाए थे वो लर्न करने हैं, और जो ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसको आपको अच्छी तरह से रीड करना है और इसको समझना है। और चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करके आपकी जो रफ नोटबुक में नोटबुक है उसमें राइट करके देखना है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। जहाँ पर आपने मिस्टेक की है उसको आप दोबारा से लर्न करोगे और दोबारा से राइट करके देखोगे। और चैप्टर जो 2 है आर्ट्स साइंस ऑर्गन्स, इसको आपको रीड करना है।